कैलाश जी, हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से वे कौन सी पुस्तकें हैं जो सबको पढ़नी चाहिए, जिन किताबों को आप जरूरी मानते हैं, उसके बारे में बताइए। साथ में यह भी बताइए कि इन किताबों की किन खूबियों की वजह से आप इन्हें जरूरी मानते हैं। जी गिरिजी, मैं देशज के जो दर्शक हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी तरफ से ही। और आपका यह जो प्रश्न है मैं उस पर आता हूं। और मुझे लगता है कि अभी के समय में हमें किताबों के जितने करीब होना चाहिए, इस इंटरनेट मोबाइल और ऐसे समय में जो हम लोगों ने लोगों के बीच किताब से एक दूरी बनती जा रही है, वैसे समय में आप किताबों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और कौन कौन सी किताबें पढ़ी जानी चाहिए ये इन बातों को रेखांकित कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। और मुझे लगता है कि इस पहल की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अपनी पसंद की कुछ किताबों के बारे में कुछ कहूँगा ही। मामला ये कुछ ऐसा है कि जो पठन पाठन का जो संसार है वह इतना विपुल है, इतना विराट है, उसमें से कुछ चीज़ें मतलब यानी छांट कर तो वो भी गिनती की संख्या में 5-10 की संख्या में ले आ पाना बहुत मुश्किल सा काम है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से यह कोशिश की है कि जो विधाएं हैं, जो अलग अलग विधा है, उसके मुताबिक मैं उन विशिष्ट किताबों की चर्चा करूं जिन किताबों ने मेरे दिले दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला है। और मुझे लगता है कि वो एक माइलस्टोन है और वो सदा जिसको हम लोग कहते हैं क्लासिक, उस तरह की जो चीज़ है जिनका कभी चमक समाप्त नहीं होती है। ऐसी कुछ किताबों में मैं सबसे पहले रखना चाहूँगा, मेरी बहुत ही सबसे पसंदीदा किताब है बाल हृदय की गहराइयाँ। और यह जो है कोई कहे कि साहित्यिक विधा से बिल्कुल थोड़े से अलग हटकर की किताब है। यह वस्तुतः बच्चों से और बच्चों के माँ बाप से, शिक्षकों से एक तरह से बातचीत है। बाल हृदय की गहराइयाँ वसीली सुखमलिंस्की जिनके लेखक हैं। मुझे लगता है कि मैं एक शिक्षक हूँ और जो वसीली सुखमलिंस्की थे वह भी जो थे एक शिक्षक थे और रूस के सुदूर एक गांव में शिक्षक थे। वहाँ उन्होंने अपने अनुभव पर यह जो किताब लिखी है और मुझे ये लगता है कि शायद जिन किताबों को व्यक्ति अपने मृत्युपरांत ले जाना चाहे तो मुझे लगता है कि यह एक वैसी ही किताब है। इसमें है यह कि बच्चों की परवरिश किस तरह से, बच्चों की परवरिश को तो छोड़ दीजिए, उनकी जो शिक्षा, उनकी संस्कृति, उनको किस तरह का वातावरण कि वो जो हमारे सामने जो फैला हुआ जो पूरा जो संसार है उसके राग रंग है, उसमें भीतर की जो धड़कने हैं, उसमें पशु पक्षी से लेकर के सारा जो संसार है किस तरह से एक बच्चे के समीप आता है और बच्चा उसको किस तरह से रिसीव करे, ग्रहण करे और उनकी संवेदनाओं को कैसे वो संस्कारित करे। ये जो किताब है इस तरह की किताब है जिसमें बच्चों के संवेदन तंत्र के विकसित किए जाने के तमाम जो तौर तरीके हैं बहुत सहज सरल भाषा में और प्रकृति के पूरे राग रंग के साथ में ये बताया गया है। तो मैं सबसे पहले तो इसी को मैं रखना चाहूँगा, वसीली सुखमलिंस्की की बाल हृदय की गहराई। अब मैं जो दूसरा दूसरी जो मुझे उपन्यास दूसरा जो उपन्यास मुझे बहुत अधिक अपील किया, मैं ये देख रहा था कि जो वार एंड पीस है वह अपने आप में एक क्लासिक कृति तो है, तो उनकी चर्चा तो बहुत लोग करेंगे ही।
तो इसीलिए मैं एक दूसरी किताब की चर्चा करना चाहता हूँ। वह है मिखाइल शोलोखोव की धीरे बहे दोनरे। मुझे लगता है कि औपन्यासिक कला का जो उत्कृष्टतम स्वरूप है वह जिस तरह से हमको वार एंड पीस में दिखाई देता है, तो उसी तरह से ही मिखाइल शोलोखोव की यह जो रचना है, यह प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान और रूस में जो क्रांति घटित हो रही थी उस दरमियान, जो मास्को से लेकर के सुदूर कजाकिस्तान के सुदूर क्षेत्रों में जो उथल पुथल मच रही थी, तो उन सब का बेहतरीन और इतना तथ्यपरक और इतना जीवंत चित्रण है कि हम मतलब इनको पढ़ते हुए क्या इनके पात्रों के बारे में कहा जाए, जिसमें एक वृहद संसार है। और ये मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के द्वारा, एक रचनाकार के द्वारा इस तरह की रचना कर ली जाना एक असंभाव्य सा काम है। जिस तरह से रामचरित मानस को लेकर के तुलसीदास के लिए कहा, या राम की जो रचना है उसके लिए कहा जाता है यह तुम्ही से संभव था, तो वैसा ही मुझे लगता है कि धीरे बहे दोनरे मिखाइल शोलोखोव की जो किताब है वो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। मैं उसे और बार बार मैं पढ़ना चाहूँगा। उसकी वैसी समग्र चौतरफा जो दृष्टि और जीवंतता के लिए। इसके बाद मित्रों मैं आऊँगा जो इसी कड़ी में जो भारतीय उपन्यास है, और भारतीय उपन्यास में भी मैं जो खास संदर्भ है उनकी मैं चर्चा करूँ। जैसे हमारे यहाँ जो सबसे धर्म आधारित जो विभाजन है, सिर्फ जमीन का ही नहीं, मानसिकताओं का, सांप्रदायिकता का जो मसला है, फांसीवाद का जो हमला है, उसको लेकर के जो दो किताबें हैं वो उपन्यास, एक तो मैं राही मासूम रजा के आधा गांव से बहुत प्रभावित हूँ, और दूसरे हैं सूखा बरगद मंजूर रहते शाम के। जी, मंजूर रहते शाम, और मुझे लगता है कि यह जो है एक दूसरे के पूरक है। आधा गांव जो किताब है वह 1947 के या 1940 के बाद जिस तरह से बदलाव उत्तर भारतीय गांवों में आ रहे थे, पूरे उस हलके में जिस तरह की बदलाव की आहट महसूस हो रही थी, तो उनका वो एक विश्लेषण जायजा लेती है। तो और एक मतलब उस समय लोगों की कैसी भावना थी उसको वो बताती है। तो दूसरी तरफ यह जो सूखा बरगद है वह आगे हमारा समाज जिस दिशा में विकसित होता है, और यह जो जहर है सांप्रदायिकता का जहर किस तरह से नासूर बन करके लोगों के दिल दिमाग में फैल गया है, उसका कैसा राजनीतिक करण हो चुका है, तो उस चीज को बहुत साफ तरीके से, जिसको हम कहेंगे कि इस नासूर का पोस्टमार्टम करने वाली शैली में मंजू रहते शाम ने यह जो किताब है बहुत, जिसको मैं कहता हूँ कि एक समाज वैज्ञानिक की तरह से उन्होंने इसको लिखा है। तो ये सूखा बरगद का मैं नाम लेना चाहूँगा उपन्यासों में। अब मैं आता हूँ कविता पर। तो मैं कविता में बिना शक जो है मेरी जो सबसे मनपसंद पुस्तक है वह है अक्षर अक्षर, कवि है पाश। मुझे लगता है कि पाश की कविता को पढ़ना अपने आप में एक धीरे धीरे एक हमारे सामने का जो समाज है, दुनिया है, उससे एक ग्रास रूट लेवल पर जुड़ जाना, और उस जुड़ जाने के तहत एक नई दृष्टि और ऊर्जा हमको यह जो कवि है देता है, और तल्ख हमारे समाज जो संगतियां हैं, विडम्बनाएं हैं और अन्याय है, दमन है, उसके खिलाफ जो विद्रोह और उकसाती है, उपजाती है, तो उस नाते मुझे लगता है कि ये इस संग्रह को, इस कवि को बार बार पढ़ा जाना चाहिए। अब मैं जो चर्चा करूंगा अपने विधाओं से संबंधित जो अलग अलग
जिससे मैं कहानियां लिखता हूँ, तो मुझे लगता है कि कहानियों को लेकर के आलोचनागत जो काम है वह भी किसी लेखक के जीवन में बहुत दूर तक असर डालने वाली चीज होती है। तो ऐसी किताबों में कुछ जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, मैं उनका नाम उल्लेख जरूर करूंगा। मुक्तिबोध की है एक साहित्यिक की डायरी और नई कविता का आत्मसंघर्ष। इसी कड़ी में मैं रखना चाहूँगा नामवर जी की कहानी नई कहानी। कहानी नई कहानी की जो बात है वह मुझे लगता है कि कहानी का जो बुनियादी स्वरूप है, उसका गुण है, उसको वह जो है वह कैसा हो क्या हो, और वो भी 1907वें दशक में नामवर जी इसको लेकर के विश्लेषण कर रहे थे। तो जब कहानी विधा अपने यहाँ स्थापित हुई थी या जड़ जमा चुकी थी, लेकिन उसका और विकास या विस्तार या उसमें और जो सौंदर्यानुभूति या सौंदर्यवादी पक्ष क्या हो सकता है, उसको उन्होंने उसमें बहुत खूबसूरती से शामिल किया है। और इसी कड़ी में मेरे पास दो किताबें और हैं। एक है ज्ञान रंजन जी की कबाड़खाना, यह भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण किताब है। मैंने कहा कि जिस कुछ किताबों से आपको ऊर्जा मिलती है हमारे समय को जानने समझने और उसमें अपने स्तर पे प्रतिवाद रचने के लिए, तो ज्ञान रंजन जी की कबाड़खाना वह मेरी बहुत प्रिय किताब। और इसी कड़ी में है रघुवीर सहाय की किताब यथार्थ यथास्थिति नहीं। यथार्थ यथास्थिति नहीं में आप पाएंगे कि एक व्यक्ति के या एक रचनाकार के पास जिस तरह की जड़ताएं उसको घेरने लगती है, तो उन जड़ताओं का वह शुद्धिकरण या परिष्कार या उसको हटाने का काम किन औजारों से कर सकता है, किन वैचारिक संघर्षों से कर सकता है, मुझे लगता है कि इसकी पड़ताल बहुत बारीकी से और बहुत गहराई से रघुवीर सहाय जी ने इस किताब में की। तो ये एक विधाओं का जो मुझे लगता है कि कहानियों से या कविताओं से जो हमको एक दृष्टि लेने की बात होती है, उन पर ये उल्लेखनीय किताबें हैं। और अंत में अपनी पसंद की जो मैं एक दूसरी विधा है फिल्म, फिल्म पर जो महत्वपूर्ण किताब मुझे लगी है वह है सत्यजीत राय का सिनेमा। सत्यजीत राय का सिनेमा या NBT से प्रकाशित है, चिदानंद दास गुप्ता जी का लिखा हुआ है जिसका अनुवाद अवध नारायण मुद्गल जी ने किया। तो यह जो किताब है आधुनिक समय में जो सिनेमा है उसकी जो उसके जो पुरोधा, मतलब ये कहें कि उसके जो मास्टर है सत्यजीत रे किस नज़र से सिनेमा को रचते थे, उनकी एक एक भाव भंगिमाओं की संवेदना संवेदन तंतुओं की जैसी कुशल और जैसी बारीक पड़ताल आपके उसके उनके पूरे रचना संसार पर इस किताब में की गई है, उससे सिनेमा माध्यम को लेकर के एक बड़ी दृष्टि आपकी खुलती है और आप उस माध्यम को ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा एक सामाजिक तौर से संबद्ध होकर समझने लग जाते हैं। मुझे लगता है कि इन किताबों की चर्चा करना मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी था और मैं अपने पाठक मित्रों से ज़रूर चाहूँगा कि वो इन किताबों के करीब जाएं और इन्हें देखें, तो निश्चय ही उन्हें एक पाठकीय सुख और जो एक जिसको कहते हैं कि ज्ञान की जो लालसा या भीतर काम करती है, तो वो हमारे भीतर ये किताबें आपको मुहैया कराती हैं।